सो मुझे पता है अभी आप लोग सोचते होंगे कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां हम वैक्सिंग कर रहे हैं। ये तो आपको पता चलेगा जब आप फुल वीडियो वॉच करोगे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वैक्सिंग कैसे करते हैं। तो मैं यूज़ करने वाली चॉकलेट वैक्स, और मैं साथ ही दिखाऊंगी कि हाथों पे वैक्सिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये पार्लर में नहीं बनाई गई है, ये वीडियो घर पे बनाई गई है। और वीडियो नहीं बनी थी ये बात पता चला मुझे, इसलिए यहाँ पे वीडियो हाफ है। तो इसलिए यहाँ पे मैं हाफ तरीके से दिखाऊंगी कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो देखो, जिस तरफ आपकी डायरेक्शन है उसी साइड में आपको वैक्सिंग अप्लाई करनी होती है, ओके। और उसके बाद स्ट्रिप्स को इस तरह से लगा के आपको उसके अपोजिट साइड खींचना होता है, और बिल्कुल भी लूज तरीके से नहीं खींचना है। हाथों को टाइट से पकड़ के और अच्छे से एकदम झटके से खींच देना ताकि दर्द का कम एहसास हो, ओके। तो इसी तरह से यही वाला जो रूल है मैं हर जगह फॉलो करूंगी। आई होप सो आपको भी ऐसा अच्छा लगेगा इस तरह से करके। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगी, जिनके मैं ये कर रही हूँ ना वैक्सीन, उनके हेयर ग्रोथ जो थी वो बहुत लाइट थी, बहुत कम थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम तो खैर उतना ही लगता है जितना आपको नॉर्मल वैक्स में लगता है। लेकिन हाँ, यह है कि आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ हेयर रह गए कहाँ नहीं रह गए, क्योंकि हम ऐसे स्किन पे वैक्स अप्लाई कर देते हैं और सीधे स्ट्रिप लगा के क्लीन कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो छोटे छोटे से हेयर होते हैं वो निकल आते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये है कि इनके ऑलरेडी ये क्लीन हो रखे हैं इनकी स्किन, तो वैक्सिंग करा के और अच्छे से क्लीन हो जाती है, टैनिंग वगैरह रिमूव हो जाती है, काफ़ी टाइम से टैनिंग है तो वो चीज़ भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर मैं हाथों की वैक्सिंग आपको दिखा रही हूँ कि यह कितना ज़्यादा हार्ड होता है, ये चीज़ ना आप लोग समझ नहीं सकते हो। बट अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो तो डेफिनेटली आप मेरी फीलिंग्स को कंसिडर कर सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं हाथों के बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि वीडियोस अच्छे से नहीं बन पाई थी, कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, कभी लाइट्स आ रही थी कभी जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इतनी दिक्कत के साथ मैंने आपकी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की, और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि पैरों पे वैक्सिंग कैसे करते हैं। तो यार, वीडियो बनाते समय ना बहुत दिक्कत होती है, और पता नहीं क्या हो गया है आजकल ना, बस वीडियोस चल भी नहीं रही है तो पता है मन भी नहीं करता है वीडियो बनाने का। बट मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, आज नहीं कल तो आएंगे, कभी ना कभी तो आप लोग मेरी इस फीलिंग को कंसिडर करोगे। एनीवेज, तो यहाँ पे देखो लेग पे भी यही हुआ, सेम यही हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा ऑन है या ऑफ है, तो इसलिए मैं वो स्टार्टिंग वाला मिस कर दिया। तो बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, देखो यहाँ पे थाई पे हमने वैक्स अप्लाई कर ली है, और इसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है। तो यही तरीका आपको हर जगह फॉलो करना है। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपकी जो लेग की स्किन होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको टाइट से पकड़ के करना चाहिए ताकि आपको दर्द का एहसास भी ना हो और स्किन पर खिंचाव ना पड़े, क्योंकि आपने काफ़ी बार ऐसा भी देखा होगा कि स्किन खींचने की वजह से वहाँ निशान से पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक निशान आ जाते हैं या फिर दाने आ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम तभी होती है जब आप स्किन को लूज़ छोड़ देते हो, और नेचुरली भी कभी कभी क्लाइंट की स्किन जो है वो लूज़ होती है, तो उस जगह पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो, मैं साथ ही साथ मैं वैक्स अप्लाई करती जा रही हूँ और रिमूव करती जा रही हूँ। बट ये जो वीडियो है ये मेरी सिस्टर रिकॉर्ड कर रही है, तो अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है, बट कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो सीख ही जाएगी। और अगर आप लोगों का प्यार रहा तो डेफिनेटली हम एक मुकाम पर पहुंचेंगे आप सभी लोगों की वजह से। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से हमने इतना हार्ड वर्क करके ये वीडियो रिकॉर्ड की और साथ ही वैक्सिंग की। ये बहुत बड़ा टास्क होता है कि वैक्स भी करना और फिर वीडियो रिकॉर्ड भी करना, ओके। तो यहाँ पे हम वैक्स अप्लाई भी करते जा रहे हैं और आपको लाइक हर चीज़ नज़र भी आ रही होगी कैसे क्या है। तो यहाँ पे मैंने वो पार्लर वाला लुक तो नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि यार क्या करके दिखा रहे हैं, बट हाँ ये है कि अगर आप बिगनर हो और इंटरेस्ट रखते हो ब्यूटिशियन लाइन में तो डेफिनेटली यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख के जाओगे। तो यहाँ पे देखो, इनके टैनिंग भी बहुत कम थी टैनिंग, और थोड़ी थोड़ी जो भी टैनिंग थी वो वैक्स से रिमूव हो गई। देखो, आज मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कोल्ड वैक्स और चॉकलेट वैक्स और एलोवेरा वैक्स डी का वैक्स में
इनमें कुछ खास डिफरेंसेस थोड़ी होते हैं, ये तो बस हेयर रिमूव करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप कोल्ड वैक्स का इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ किस लिए होती है कि आपके जो हेयर है उसको रिमूव कर देगी, बट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेयर रह जाते हैं। इसलिए मेरा जो सजेशन रहता है वो यही है कि जब भी आप वैक्स कराओ तो चॉकलेट वैक्स करा लो, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगी और आपके बजट में ही होगी। तो चॉकलेट वैक्स का फ़ायदा ये रहता है कि टैनिंग के साथ साथ आपके हेयर भी रिमूव हो जाते हैं और साथ ही आपकी जितनी भी ब्लैकनेस होती है वो सब रिमूव हो जाती है। तो इसलिए चॉकलेट वैक्स, अगर आपका बजट और भी अच्छा है तो आप रीका वैक्स करा लो। रीका वैक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है अपने, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे समझा रखा है कि किस तरह से रीका वैक्स की जाती है। बट अगर काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि प्राइस का क्या है, कि कितना प्राइस पड़ेगा, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है लोकेशन पे कि आप कौन से एरिया में रहते हो, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। तो मेरे यहाँ जो ये चॉकलेट वैक्स के जो प्राइस है, अगर हाथों की बात करूँ तो यहाँ पे 200 रुपीज़ हैं हाथों की वैक्स के। और अगर मैं पैरों की बात करूँ, अगर आप घुटनों से कराते हो घुटनों तक, तो आपको ये 250 के आसपास की रेंज में पड़ेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, काफ़ी जगह 150 का रेंज भी रहता है। बट वहीं अगर मैं बात रीका वैक्स की, तो रीका वैक्स जो है, अगर आप हाथों की बात करते हो विदाउट अंडरआर्म्स, तो आपकी जो वैक्सिंग पड़ेगी वो 350-400 के आसपास भी पड़ सकती है, जैसे कि लोकेशन डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल प्राइस रखना चाहते हो आप अपने पार्लर में, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप रीका वैक्स के 300 रुपीज़ रख सकते हो। ओके, और अगर आप नॉर्मल प्राइस रखना चाहते हो चॉकलेट वैक्स के, तो 150 आप हैंड के रख सकते हो, हाथों के 150 रख सकते हो स्टार्टिंग में। बट हाँ, जैसे जैसे आपको लगता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है और आपके आसपास एरिया में जो चार्जेस हैं वो थोड़े हाई हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा लाइक अपने चार्जेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 150 कर रखा है और मार्केट में 200 चल रहे हैं, तो इतना ठीक है। आप अगर आप ज़्यादा ही बढ़ा दोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर जो आपके कस्टमर्स हैं वो उससे जाने लगेंगे। क्योंकि एक ट्रिक होती है कि जब भी हमें अपने कस्टमर्स को अपना बनाना होता है, तो हमें थोड़ा सा उनको चार्जेस में डिस्काउंट देना पड़ता है। ओके, तो अगर आप ब्यूटिशियन हो तो आपको ये ट्रिक काफ़ी सारी पता होंगी, तो जैसे कि मुझे भी पता है। अगर आपको पार्लर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई बहुत अच्छे से करूँगी। और साथ ही मैं काफ़ी टाइम से लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि मैम आपकी तबीयत कैसी है, अब कैसी है, तो पहले से ठीक है, बट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, बट तो इसीलिए मैं ये घर पे काम कर रही हूँ। ओके, तो कहते ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो यार इसमें इंटरेस्ट बहुत है मेरा, तो इसलिए मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं घर पे वीडियो बना रही हूँ, तो इतने अच्छे से वीडियो बन भी नहीं पाई है, देखो कितना फैल फैल के बना रही हूँ। तो आज की वीडियो इतनी ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिली।